So let's start. If this be a vain belief, ये line almost 50 के round out है, 240 page है. You got it? आपको lines मिल गई है? Yes, sir. अब देखिए, in this poem we find almost 5 stages of poet's mind. हमें poet के mind की 5 stages दिखाई देती हैं. You understand? पहली जो stage है, वो setting scene for the meditation. शुरू में जैसे वो बयान करता है कि उसमें दरिया है, पहाड़ है और वादी है, ब्यूटीफुल ट्रीज है और ग्रीन ग्रास है और अट्रैक्टिव सीन है. ये सब वो सेटिंग है फॉर द मेडिटेशन ऑन नेचर. पहली स्टेज वो है. दूसरी स्टेज में उसकी मेडिटेशन है जिसमें वो नेचर के बारे में सोचता है, नेचर के बारे में आगाही हासिल करता है और नेचर को एक शेप देने की कोशिश करता है. और थर्ड स्टेज में नेचर जो है उसके लिए एक गाइड के तौर पर, एक नर्स के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक कंफर्टर के तौर पर सामने आती है. ठीक है. और जो फोर्थ स्टेज है जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें ही फील्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स कि जो उसका थीसिस है, जो उसका ख्याल है, जो उसका नेचर के बारे में आइडिया है, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन या वो अनरियल या अनट्रू तो नहीं. आर यू लिसनिंग? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, तो इस स्टेज में वो ये कहता है, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ एंड नो ही इज डाउटफुल दैट इफ दैट माइट बी अ वेन बिलीफ. उसका जो नेचर के बारे में ख्याल है, नेचर जो है वो गाइड है, नर्स है, टीचर है, आपकी रहनुमाई करती है, आपको सुलेस देती है, सही रास्ते पे लेके जाती है, तो कहता है वो विन बिलीफ तो नहीं है. इज इट अ विन बिलीफ? जो विन यूजलेस बिलीफ, सम स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशन इन समथिंग, किसी में आपका मजबूत यकीन अकीदा, उसको बिलीफ कहते हैं. Yet, oh, how oft in darkness and mid the many shapes of joyless delights. Yet, it has happened that many times in my joyless delight, daylight, during the daylight when he was joyless, when he was not enjoying it. ये उसकी depression है, depressed condition है, painful condition है जो वो बयान करता है. How oft in darkness and amid the many shapes. It has happened very often that in the darkness and in the middle of many shapes of joyless daylight, in the daylight when it was void of joy, दिन की रोशनी में जब उसे खुशी मयूस सुना थी और बहुत सारी shapes के दरमियान में तारीकी में मैंने महसूस किया है, when the fretful vexing, disturbing, still excitement. जब disturbing excitement, जब disturbing movement उसे महसूस हुई, still महसूस हुआ, imaginative still महसूस हुआ, imaginative excitement महसूस हुई, unprofitable and that seemed to him unprofitable. He wanted to create poetry. He wanted to ये देखिए आप ये वर्ड्सवर्थ जो है उसके poetry में हमें nature का एक aspect दिखाई देता है कि nature जो है वो friend है, nature जो है वो benign है. नेचर जो है वो टीचर है, नेचर जो है आपकी कंफर्टर है, दैट गिव्स यू बेस्ट कंपनी. ये उसका वर्ड्सवर्थ का की फिलॉसफी है, उसका व्यू है. लेकिन इसके साथ जो बाकी पोएट्स हैं उनमें एलिमेंट इसका डिफरेंट होता चले जाता है. मसलन जो है शैली है, उसके अंदर नेचर जो है वो वायलेंट भी है. नेचर जो है वो उसमें नेचर में वो जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, नेचर में वो रेवोल्यूशन की बात करता है, नेचर में वो जो
जो पिछे हुए तबके हैं उनकी बात करता है और ऊपर आने की बातें करता है, वो थोड़ा रेवोल्यूशनरी पॉइंट है, लेकिन बातें वो भी नेचर की करता है। किड्स जो है, किड्स सिंपली ब्यूटी की बात करता है, ब्यूटी इज टू थ्रेड टू थ्रेड ब्यूटी, हर चीज उसमें खूबसूरती है और खूबसूरती की बात करता है। वो किसी स्पिरिचुअल गाइड की बात नहीं करता, वो किसी कंपनी नर्स की बात नहीं करता, वो किसी गुड कंपनी की बात नहीं करता, वो उसमें ब्यूटी टूटता है। ये इनमें डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। और ऐसे ही जो बाकी जो पॉइंट्स है, किसी के आपको नेचर जो है वो दुश्मन भी दिखाई देगी। अगर सांप जो है वो खूबसूरत है, दिखने में खूबसूरत दिखाई देता है, इट मे बाइट यू एज वेल, तो ये आपको काट भी सकता है। इट मे हार्म यू एंड इंजर यू एज वेल, तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बात नहीं, जो दूसरे पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट्स जो नेचर के थे उस दौर में, उनकी फिलोसफी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। बट ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग ऑफ नेचर, ऑल ऑफ देम आर डिस्कसिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर इन द सेम वे। तो जो वर्ड्सवर्थ है उसकी शायरी में, अब वो जो फोर्थ स्टेज पे, वो थोड़ा डिजेक्टेड है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, और वो ये कहता है कि जो डे लाइट में, दिन की रोशनी में अगर वो जॉयलेस है, तो ही इज नॉट राइट इन हिज सेंसेस, अपने स्पिरिट में मुकम्मल नहीं है। उसके स्पिरिट में तो जब वो नेचर की कंपनी में है, चाहे वो दिन है चाहे रात है, तो वो ही इज ओवरजॉयड, बट नो ही फाइंड्स joyless daylight and he is amid many shapes in the forest, in the woods, and he wants to create poetry, he wants to write about them, though he feels imaginative movement or still or some turmoil in his imagination, apne takhayyur mein koi inqilab use mehsoos hota hai, lekin but this is unprofitable, uska koi fayda nahi ho pa raha, and the fever of the world have hung upon the beatings of my heart. And fever ke maane hote hain jo active or fast movement. Jab fever aapko hota hai, aapka temperature badh jata hai, aapki body jo hai normal nahi rehti, usi usse fever kehte hain ki abnormal jo situation hoti hai usse fever kehte hain, feverish condition. And the fever and the fever of the world and this abnormal condition of the world, because he finds it abnormal. Actually to uski surat hal jo hai wo meditation karke nature ko dost pata hai, nature ko friend pata hai, nature ko apna safi pata hai, to jab aisa use mehsoos nahi hota, use unki company mein delight nahi milta, to ye abnormal condition hai uske liye, it's an abnormal condition of the world for him. Have hung upon the beatings of my heart, and they have overpowered the beatings of my heart. इन्होंने मेरे दिल के जो beating है, जो हरकत और सकनात है, उन पर भी काबू पा लिया है. They have overpowered me. They have bring me under their complete influence. How often spirits have I turned to thee, O Sylvan? Why, Sylvan, full of trees. Full of trees and woods, jangalat aur daraston se bhara hua. Sylvan, why is the name of it, of the river? How oft in spirit it has happened very often that I have found you along with your trees and shadows and woods. I turn to thee, I have turned my attention to you. मैंने आपकी तरफ अपनी तवज्जो को मोड़ा है. जब वो इसमें मायूस हो जाता है और मायूसी का आलम उसे दिखाई देता है, फिर वो बाइक की तरफ मुड़ता है, फिर वो नेचुरल डिस्कस करना शुरू कर देता है. और जो फिफ्थ स्टेज में जब वो देखता है कि फिर भी ये उसके लिए काफी नहीं है, जिस तरह से वो अपनी मेडिटेशन की मदद से बहुत सारा कुछ लिखना चाहता है और वो लिख नहीं पा रहा, और एक हद तक वो जा सकता है, क्योंकि एक ही आइडिया को आप बार बार रिपीट करते चले जाए, बार बार दोहराते चले जाए, तो इट मे बिकम स्टफी एंड इट लूजेज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर. रीडर का इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता. तो फिर जब फिफ्थ स्टेज में जब वो देखता है कि ये भी उसके लिए काम नहीं आ रहा, तो फिर वो अपने अपने लाइफ के सारी मूवमेंट, सारी एक्टिविटीज बयान करते. बचपन में जैसे नेचर में वो रहता था, जैसे जवानी में था, जैसे बुढ़ापे में था, जो नेचर के साथ उसका रहा, जैसे नेचर उसको गाइड करती रही,
जैसे नेचर की कंपनी में वो स्पोर्टिव एक्टिविटीज अपनी करता रहा, वो उनको बैन करना शुरू हो जाता है, तभी उसकी फोर्थ स्टेज चल रही है। तो फोर्थ स्टेज में वो कहता है कि जब मैं अबनॉर्मल महसूस करता हूँ, जब मैं प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता हूँ, जब मुझे ये अपनी सारी एक्टिविटी जो है वो फ्यूटाइल नजर आती है, वेन नजर आती है, तो देन आई अगेन टर्न टू यू, फिर मैं तुम्हारी तरफ वापस दोबारा मुड़ता हूँ, ओ सिल्विन वाई, ऐ दरियाए वाई, जिसके इर्द गिर्द दरिया है, जिस दरख्त हैं, जंगलात हैं और घने साए हैं, मैं तुम्हारी तरफ फिर मुड़ता हूँ, तवज्जो देता हूँ, दो वंडर थ्रू द वुड्स, दो आई हैव बीन वंडर थ्रू द वुड्स, हाँ दो यू हैव बीन वंडर थ्रू द वुड्स, यू कीप ऑन wandering, you keep on moving, you keep on running through the woods, आप जंगलात में से चलते रहते हैं, जंगलात में आवारा गर्दी करते रहते हैं, जंगलात में घूमते रहते हैं, and no one can determine the path and the course of the river, river का अपना अपना रास्ता है, जंगलात में भी, दरियाओं में, शहरों में भी, देहातों में भी, वो अपने हिसाब से जाता है, अपने हिसाब से चलता है। तो वो उसको कहता है कि आप जंगलात में आवारा घूमने फिरने वाले हो, How often has my spirit turned to you? My spirit, my imagination, how many times has turned to you? कितनी मर्तबा मेरा दिमाग, मेरा spirit, मेरा तसव्वुर तुम्हारी तरफ वापस आया है? Because he is completely and thoroughly enchanted by the beauty of this river, and he is totally under the influence of the beauty of this river. So, जब कभी वो उसे जिंदगी में बोरिंग महसूस होता है, जब कभी वो ही लूजेस इंटरेस्ट इन लाइफ एंड फाइंड्स नो रिलिश एंड नो जॉय इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज, ही टर्न्स टू द रिवर वाई विद हेल्प ऑफ हिज इमेजिनेशन, विद हेल्प ऑफ हिज मेमोरी, उसकी मेमोरी के जो खानों में जहां उसे वाई का पड़ा हुआ है, उसका जखीरा मौजूद है, फिर उसकी जन्म जाता है, अपनी याददाश्त की मदद से उसको याद करता है और उसकी तवज्जो करता है और उसको खूबसूरती से महसूस होता है। एंड नाउ विद द ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, हाफ एक्सटिंग्विश्ड हाफ डिस्ट्रॉयड, एंड ग्लीम्स रेज, एंड नाउ विद द रेज ऑफ हाफ डिस्ट्रॉयड थॉट विद मेनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, व्हाइल मेनी रिकॉग्निशंस पहचाना, बहुत सारी जगह जिनको मैं जो मेरे दिमाग में डिम और फेंट हो चुकी है, मध्यम हो चुकी है, जो उतनी फ्रेश नहीं जो मैं शुरू में थी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो दोबारा फ्रेश हो जाती है, उतनी फ्रेश नहीं रही, विद मैनी रिकग्निशन डिम एंड फेंट एंड समवट ऑफ ए सैड परप्लेक्सिटी एंड समवट सैड परप्लेक्सिटी सैड कन्फ्यूजन सैड डिस्टर्बेंस इज देयर, और कुछ जो मायूसी भरी भरा इज़्तिराब वो भी मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं उसमें मुब्तला हूँ। तो ये उसकी जो डिसअपॉइंटिंग और सिचुएशन है, जो फोर्थ स्टेज उसकी चल रही है, ही फील्स अपसेट, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज एसोसिएशन विद नेचर, समटाइम उसे लगता है कि शायद ये उसका मेन आइडिया है और यूजलेस आइडिया है, जितना वो उसको समझता था शायद उतना नहीं है, नेचर उतनी सुलेस उतनी कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट नहीं है, ये फोर्थ स्टेज है। और इसमें वो अपने दिमाग की परप्लेक्सिटी की बात करता है, सैड पर और सैडनेस की बात करता है, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, देन द पिक्चर ऑफ द माइंड, देन द पिक्चर ऑफ द रिवर वाई दैट इज प्रेजेंट इन माय माइंड दैट रिवाइव्स अगेन, फिर वो बहाल हो जाती है, फिर रिवाइव हो जाती है, फिर वो तरोताजा हो जाती है। While here I stand, not only with the sense of present pleasure, but with the pleasing thoughts that in this moment here life is and food for future years. While here I stand, while I'm standing here again, मैं दोबारा यहाँ पे खड़ा हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे आ गया हूँ, दोबारा मैं इस टिंटन अबे के पास आ गया हूँ, यहाँ मैं फिर मौजूद हूँ, I have come back again,
not only with the sense of present player. I do not have only the sense of present player. सिर्फ मेरे साथ मेरे पास present player का एहसास ही नहीं है. मौजूदा दौर में जो मुझे खुशी मिल रही है, जो मैं इसको enjoy कर रहा हूँ, जो महसूस हो रहा हूँ, सिर्फ वही चीज मेरे साथ नहीं है. But with the pleasing thoughts, बल्कि pleasing thoughts भी मेरे साथ मौजूद है. ये इसकी शायरी imagination की शायरी है, you know. He's an imaginative poet. तखय्युल में जाकर, तखय्युल में से बातें लाकर वो उनके बारे में शायरी करता है. तो pleasing thoughts भी उसके साथ हैं. This is the moment that in this moment there is life and food for future years. And they, and at this moment, in the present condition, I am gathering and storing the ideas and food for thought, food for future years. आने वाले सालों में मैं अपने दिमाग की खुराक मुहैया कर रहा हूँ, इतने ideas इकट्ठे कर रहा हूँ, इतने varied मनाजर देख रहा हूँ जो आने वाले सालों में भी मुझे शायरी करने में मदद देंगे, जो मेरे लिए हेल्पफुल साबित होंगे. ही मोस्ट ऑफ द टाइम यू फाइंड हिम यूजिंग हिज इमेजिनेशन, यूजिंग हिज मेमोरी टू राइट अबाउट द थिंग्स, टू डिस्क्राइब द थिंग्स. ही इज हैविंग अ पावरफुल मेमोरी, यू नो. एक चीज जब वो देखता है तो 5 साल बाद भी उसे याद रहती है, उसकी प्रोस एंड कॉन्स, उसकी डिटेल्स वो बयान कर सकता है. तो ये जो सारे मनाजर हैं ये उसे फूड फॉर थॉट हैं. इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में उसकी दानिश को बढ़ाएंगे, उसकी दानिश में इजाफा करेंगे और खूबसूरत शायरी करने में उसकी मदद करेंगे. एंड सो आई डेयर टू होप दो चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स. एंड सो आई डेयर टू होप सो आई कैन confess the hope. I can dare to hope. मैं ये उम्मीद करने की जरूरत कर सकता हूं. Though changed, although I have changed, no doubt, undoubtedly I have changed for what I was when first I came among these hills, from the first time when I came to these hills for the to visit it. उस वक्त से जब मैं पहली दफा इसे देखने के लिए आया था उससे मैं बदल गया हूँ. ये उसकी फेजेस हैं जो उसके दिमाग में चल रही हैं. अब वो फिफ्थ जो स्टेज है उसकी तरफ मूव कर रहा है कि परप्लेक्सिटी से निकलकर मेडिटेशन को, तसव्वुर को, इमेजिनेशन को ही अपनी शायरी का जरिया मानता है और नेचर को नर्स, गाइड, फ्रेंड, टीचर सब रूप देकर उस पर पुख्ता यकीन रखकर आगे चलता है. जो परप्लेक्सिटी उसके दिमाग में आती है उससे वो निकल जाता है, उसके पीछे छोड़ देता है. दो चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स व्हेन लाइक अ रो. एंड ये पांचवी स्टेज में आपको पता है, पांचवी स्टेज में फिर वो अपने जब वो देखता है कि जो चार स्टेज हैं, जो चार मरहलों में वो उतना सक्सेसफुली शायरी नहीं कर पा रहा और एम्पल मटीरियल नहीं ढूंढ पा रहा टू क्रिएट पोएट्री, तो फिर वो अपने बचपन और जवानी और बुढ़ापे के हवाले से चीजों को डिस्कस करना शुरू कर देता है. तो वो अपने बचपन की बात करता है. ये फिफ्थ स्टेज है उसकी. व्हेन लाइक अ रो स्मॉल किड ऑफ अ डियर, स्मॉल डियर, जब हिरन के छोटे से बच्चे की तरह. When like a roe, I came among these hills. I came and ran about among these hills. मैं यहाँ पर आया और इन पहाड़ियों के दरमियान में घूमता फिरता रहा, भागता रहा, महसूस होता रहा, लुत्फुंदोज होता रहा. When I bounded, I came like a roe. I bounded over the mountains.
boundary, I kept on running and climbing on the mountains. By the sides, from the sides of it, of the deep rivers, from the sides of the deep river, you may find a deer or the sheep living in the mountains. You may find it moving high and high on those perilous ridges. खतरनाक पहाड़ी के ऊपर आप भेड़ बकरियों को चढ़ते हुए देखते हैं, वो जो जंगली भेड़ बकरियां होती हैं उनको, और वो बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, और जब नीचे आना तो बड़ी तेजी के साथ नीचे भी आ जाती हैं, बिकॉज दे लिव देयर, दे नो हाउ टू क्लाइंब इट एंड दे नो हाउ टू कम डाउन फ्रॉम इट, इसे नीचे कैसे आना ऊपर ऊपर कैसे जाना है। तो उन हिरन के बच्चों की तरह वो कहते हैं मैं पहाड़ की चोटियों पर चढ़ता था, अतराफ से भी जहाँ डीप रिवर्स थे, जहाँ गहरे पानी थे, गहरे पानी के पास से भी मैं चढ़ जाता था। And the lonely streams, and where the lonely streams were found, jahan khali, tanha, aur deserted streams maujood thi, nadiyan maujood thi, wahan se bhi chadh jata tha. Daryaon ke paas se bhi, nadiyon ke paas se bhi main pahadon par chadh sakta tha. Un dinon jab main jawan tha, bachcha tha, jab main pehle is wadi mein sair ke liye aaya tha in 1793, aur phir ye dobara 1798 mein wahan par aaya hai. जब उसने ये ट्विटर ने इसको देखकर ट्विटर ने लिखी है, where ever nature led me, मैं वहां चला जाता जहां नेचर मुझे लेके जाती है। नेचर इज अ गाइड फॉर हिम। आप ये देखेंगे, वो कहता है कि मैं मेरा जो पीछे आपने पढ़ा था उसकी तपरी लूट में, कहता मैं अपने फ्यूचर होम की तलाश में जा रहा हूँ, एंड क्लाउड्स विल बी माय गाइड, वाटर्स ऑफ द रिवर विल बी माय गाइड, एंड सम लाइफलेस थिंग फ्लोटिंग ऑन द वाटर्स ऑफ रिवर विल टेल मी वेयर टू स्टे, कि पानी के ऊपर तैरती हुई कोई बेजान चीज मुझे निशानदेही करेगी कि मैंने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अपना घर बनाना है। तो ये नेचर पर थोरली डिपेंड करता है, और यहाँ भी मुझे कहता है कि जहाँ नेचर मुझे लेके जाती, मैं हिरन के बच्चे की तरह उसकी कंपनी में भागता चला जाता। नो मोर लाइक अ मैन, मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, दैट वन हु सॉट द थिंग ही लव्ड। But now I'm more like a man, flying from something that he dreads. उस चीज से दूर हटते हुए जिससे वो डरता है, जो चीज उसे जाती है, जो उसे खौफजदा करती है, उसे दूर हट जाता है। अब मैं now I behave like a man, अब मैं इंसान की तरह बिहेव करता हूँ। That he dreads, that he is frightened, dreads, frightened. That one who sought the thing he loved, then as compared to the person who is finding out the thing he is in love with, उस ऐसे शख्स के मुकाबले में जो अपनी पसंदीदा चीज की, अपनी महबूब चीज की तलाश में हो। For nature, then the courser player of my boyish days. Are their glad animal movements are gone by? For nature then, because nature in those days, again वो ब्रेक में कहता है, the courser players of my days, the courser player, unrefined players, which I could get in my childhood days, and their glad animal movements are gone by, और उनकी खुशी से भरी जानवरों वाली मूवमेंट्स में वो खत्म हो गई है, वो जा चुकी है। यू मे फाइंड अ बेबी, यू मे फाइंड अ बॉय, यू मे फाइंड अ स्मॉल किड सिटिंग ऑन द रोड प्लेइंग इन द मड एंड हैविंग अ मड कार्ट ड्रैगिंग इट, एंड यू मे फाइंड हिम ड्रैगिंग इट। आपको मट्टी में बैठा बच्चा मट्टी के घर बनाता हुआ दिखाई देगा, और मट्टी में बैठा अपना जो मड कार्ट है उसको कहीं तक दिखाई देगा, और जस्ट लाइक जैसे घोड़ा भागता है उसकी तरह सिखनेता दिखाई देगा,
तो ये कोर्सर प्लेयर्स हैं, कोर्सर अनरिफाइंड प्लेयर्स हैं, जो जब आप बड़े होकर याद करते हैं कि ये मैं क्या करता था तो आपको अजीब लगता है. यू मे फाइंड अ बॉय टीनेजर स्टैंडिंग इन एन आइसोलेटेड प्लेस एंड यू मे फाइंड हिम आंसरिंग अ बर्ड सिंगिंग व्हाइल सिटिंग इन द ट्रीज, और दरख्तों में बैठे हुए किसी परिंदे की आवाज के जवाब देते हुए आप उसे पाएंगे, उसकी जैसे आवाज़ निकालते हो पाएंगे उसको. और किसी बच्चे को आप देखते हैं, आप यू मे फाइंड द बॉयज रनिंग अप एंड डाउन ऑन द ट्रीज ड्यूरिंग द डेज ऑफ समर. गर्मी के दिनों में जैसे हमारे यहाँ होता है कि बच्चे जो है दोपहर के वक्त दरख्तों पर चढ़ते हैं, भागते हैं, नीचे आते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर आप उन्हें देखते हैं कि वो कहीं कच्ची अंबियों की तलाश में निकल खड़े होते हैं, या कहीं आप देखते हैं कि नहर बनाने के लिए चले जाते हैं, या कहीं कभी आप देखते हैं कि वो किसी मछली के शिकार में बैठे हुए हैं, कभी आप देखते हैं कि वो परिंदों का शिकार करने में बैठे हुए हैं. तो ये कोर्सर प्लेयर्स हैं जो उसे मुयसर थी जब आप और ये बचपन में जो आप काम करते थे कभी अब आप याद करें कि मैं क्या करता था, ये क्या करती थी, तो यू फील अपसेट, यू फील डिस्टर्ब. तो ये जो चीजें हैं ये कोर्स प्लेयर्स हैं जो बचपन में उसे पोइट को मुयसर थी. और अब जो है वो उनसे निकल आया है, दे हैव गॉन बाय, ही हैज लेफ्ट देम बिहाइंड, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द पास्ट, नॉट दे आर नो मोर विद हिम एंड ही हैज लेफ्ट देम बिहाइंड. अब उन्हें पीछे छोड़ आया है, अब वो मुझसे, अब वो हाल में आ गया है माजी को छोड़कर. तो ये कोर्सर प्लेयर थी जो उसे बचपन में उसे अवेलेबल थी, जिनसे मैं महसूस होता था. हाँ जी, टू मी वाज ऑल इन ऑल एंड दीज थिंग्स टू मी एंड दीज थिंग्स वर एवरीथिंग टू मी, मेरे लिए ये सब कुछ था, मेरा ओढ़ना बिछोड़ना, मेरी जिंदगी, मेरी एक्साइटमेंट, मेरी खुशियां, यही सब कुछ था. और बचपन में आप देखते हैं पेरेंट्स डू नॉट केयर व्हाट द किड्स आर डूइंग, बंदर को भी परवाह नहीं होती, बच्चे को भी परवाह नहीं होती, वो क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, दे डू नॉट केयर. और आपको पता है बच्चे जो हैं, जब बच्चे होते हैं वो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करते, वो किसी रंग से बिलोंग नहीं करते, वो किसी से नफरत नहीं करते, वो किसी को भगाते नहीं है. ऑल ऑफ देम प्ले टुगेदर एंड नो रिच बॉय हेट्स अ पुअर, कोई अभी बच्चा गरीब बच्चे से नफरत नहीं करता, कोई रंगो नस्ल का मसला नहीं होता, सब बच्चे मिलकर खेलते हैं. Because they are innocent. तो ये भी innocent था और ये sports उसके लिए सब कुछ थी. I cannot paint what I was in those days. मैं ये paint नहीं कर सकता, मैं ये describe नहीं कर सकता कि उन दिनों में मैं क्या था, मैं कैसा लगता था, मेरे feeling क्या थे, nature के बारे में मेरे क्या जज्बात थे, या नेचर को मैं अपनी रूह का गाइड कैसे मान सकता था या नहीं मान सकता था, ये मुझे इसका कुछ पता नहीं है. तो मैं उनको आई कैन नॉट पेंट देम. द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, बट वन थिंग आई रिमेम्बर दैट द साउंडिंग कैटरेक्ट वाटरफॉल, द साउंडिंग वाटरफॉल, द साउंड क्रिएटेड बाई वाटरफॉल हॉन्टेड मी. हॉन्ट होता है आपके दिल और दिमाग पर कोई चीज लटक जाना, अटक जाना, ठहर जाना. That haunted me like a passion. That remained with me like a passion. एक पैशन की तरह मेरे साथ थी. The tall rock, the mountain and the deep and the gloomy wood, their colors and their forms. And their forms were then to me an appetite. ये मेरे दिल दिमाग का हिस्सा थी. Tall rocks, लंबी बुलंद बाला चट्टाने, the mountains पहाड़, and the deep and gloomy woods, गहरे और अफसुरदा जंगलात. Their colors and their forms, the colors of the trees and their forms, but then to me an appetite, they were an appetite to me.
for me. I wanted to live there. I wanted to be in the company of nature. I wanted to enjoy the company of these things. This was everything to me. ये मेरे लिए सब कुछ था. तो ये मेरे लिए सब कुछ था. मैं इनसे मजबूर होता था. मैं इनसे इनको इंजॉय करता था. और ये मेरी एपिटाइट थी. मैं चाहता था कि मैं नेचर की कंपनी रहूं. मैं चाहता था कि मैं शेडी ट्रीज में रहूं. मैं चाहता था कि बुलंदों वाला पहाड़ियों पे चढ़ूं. मैं चाहता था कि जो सरसब्ज और शादाब और वसी और अरीज और लंबे चौड़े पहाड़ों पर चढ़ूं. दीज हैड बीन माय एपिटाइट. आई वांटेड टू रन बाय द रिवर बाय. आई वांटेड टू रन बाय द स्ट्रीम्स फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये मेरी एपिटाइट थी. तो मैं ये सब कुछ चाहता था. यही मेरी जिंदगी थी. इसको अनम्यूट करना. यही मेरा पैशन था. तो इसको वो महसूस होता है, लुत्फुंदोज होता है. तो इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल स्टडी फर्दर टुमारो. राइट. अनम्यूट कर दे यार इसको. यहां से देख सर जी. हेलो हां जी. ओके आवाज आ रही. यस सर. ये कौन बोल रही है? कमल. कमल बोल रही है? पोएट्री में टिंटिन अबे में जो पांच स्टेज आपको नजर आती है वो क्या है? समझाइए. स्कीना स्कीना है. और स्कीना मेरी बात सुन पा रही हो? किसी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज. तो मेरी बात का जवाब कोई भी नहीं दे रहा. मुजम्मल मुजम्मल डू यू लिसन मी? सर मुजम्मल को शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है. इफ्फत अमान सुन पा रही हो? इफ्फत अमान खालिदा सादिया सखी है? यस सर. मेरी आवाज सुन रही हो? जो वर्ड्सवर्थ की फाइव स्टेज मैंने बताई है वो कौन सी है? पहली स्टेज कौन सी है? सर पहले उसकी चाइल्डहुड है. अच्छा दूसरी. दूसरी चलो ये नेक्स्ट टाइम जो इसको देखे आना.